अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी, विच इज़ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, आज हम इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। कई दफ़ा ये बोर्ड के पे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, अगेन दिस सिस्टम वाज गिवन बाय ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट कार्लियस लिनियस। ये जो सिस्टम था नेमिंग का, नाम देने का जो निज़ाम था, ये भी किसने प्रपोज़ किया था? लिनियस ने प्रपोज़ किया था इन 1758, और उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? सिस्टीमा नेचरी। इस किताब के अंदर उसने उस वक्त के मौजूद ऑलमोस्ट 4000 प्लांट्स और एनिमल्स को क्या किया था? साइंसी नाम दिए थे। द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द सिस्टम ऑफ नेमिंग वाज गिवन बाय ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट कार्लियस लिनियस इन 1758 इन हिज क्लासिकल बुक सिस्टीमा नेचरी। उसने ये किताब लिखी थी जिसमें न सिर्फ उसने ऑर्गेनिजम्स को, उस ज़माने के मौजूद तकरीबन 4000 प्लांट्स और एनिमल्स को उसने दो किंगडम में क्लासिफाई किया था, दो किंगडम में प्लेस किया था, बल्कि उसने उनको साइंसी नाम भी दिए थे। अब इस सिस्टम को क्या कहते हैं जी? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। कि अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये इसकी हिस्ट्री थी कि ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये किस साइंटिस्ट ने ये सिस्टम दिया था? कार्लियस लिनियस ने 1758 एक किताब लिखी थी उसने उस ज़माने में, आज से तकरीबन 200 साल पहले, जिस किताब का नाम था सिस्टीमा नेचरी। और इसने इस किताब के अंदर 4000 मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल को क्या किए थे? साइंटिफिक नेम दिए थे और उनको क्या किया था? क्लासिफाई भी किया था इन टू किंगडम्स। अब ज़रा इस वर्ड्स को हम देख लेते हैं, ये दो वर्ड्स जो हैं, अगर इन दो वर्ड्स की आपको समझ आ गई तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। वर्ड्स है जी बाइनोमियल, तो बाई मीन टू, नोमियल मीन नेम्स, टू नेम्स। और हमारे पास जो सेकंड वर्ड है वो क्या है जी? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इज़ द सिस्टम ऑफ नेमिंग। नाम देने का निज़ाम, नाम दे किसी भी चीज़ को नाम देने का जो निज़ाम होता है वो क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर कहलाता है। तो अब हमारे पास बाई का मतलब है दो, नोमियल का मतलब है नाम, और नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है? नाम देने का निज़ाम। तो अगर हम इन तीनों वर्ड्स को अगर आपस में जोड़ लें तो हमारे पास क्या बनता है जी? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसको इसी तीन वर्ड्स के अंदर से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? द सिस्टम ऑफ नेमिंग इन विच Each organism, is
assigned with two distinct names is called binomial nomenclature. Nomenclature means system of naming. Binomial का मतलब है टू नेम्स. तो ऐसा निज़ाम जिसमें हर जानदार को कितने नाम दिए जाते हैं, दो मखसूस निज़ाम नाम दिए जाते हैं, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं जी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. साइंसी नाम देने का ऐसा निज़ाम जिसमें हर एक जानदार को दो मखसूस, डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, जो दो मखसूस नाम दिए जाते हैं क्या कहलाता है, बाइनोमियल नोमेन क्लेचर कहलाता है. बहुत ही आसान है, वर्ड्स के अंदर से ही इसकी सारी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन बन रही है कि साइंसी नाम देने का ऐसा निज़ाम जिसमें हर जानदार को दो मखसूस नाम दिए जाते हैं क्या कहलाता है, बाइनोमियल नोमेन क्लेचर. द सिस्टम ऑफ नेमिंग इन विच ईच ऑर्गेनिज्म इज असाइंड, हर जानदार को दिया जाता है, ठीक है, दिए जाते हैं विद टू डिस्टिंक्ट नेम्स, दो मखसूस नाम, इसको हम क्या बोलते हैं जी, इज कॉल्ड बाई नोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ नेमिंग. बाई नोमियल का मतलब है दो नाम वाला, ऐसा निज़ाम जिसमें हर जानदार को दो नाम दिए जाते हैं बाई नोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है. अब एक और डेफिनेशन भी है, इसको अगर हम इस तरह भी लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, सिस्टम ऑफ नेमिंग इन विच द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या ईच ऑर्गेनिज्म consist of two parts, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है जेनरिक नेम, जो उसका ग्रुप नेम होता है या उसका फैमिली नेम होता है, और दूसरा जो नेम होगा वो उसका क्या होगा, स्पेसिफिक नेम, जो कि उस स्पीशी का अपना नाम होगा. तो ये हमारे पास क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है. द सिस्टम ऑफ नेमिंग इन विच द नेम ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म, हर एक जानदार का जो नाम होता है, ठीक है, उसके दो हिस्से होते हैं. एक जो होता है वो जेनरिक नेम होता है, उसके जीनस का नाम होता है, ठीक है. और आप लोगों को पता है कि एक जो जीनस होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीशी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा स्पीशी हो सकती हैं, एटलीस्ट दो या दो से ज़्यादा, उसमें 100 स्पीशी भी हो सकती है, 1000 स्पीशी भी हो सकती है, या इवन बाज़ दफ़ा लाख स्पीशी भी हो सकती है. तो एक ग्रुप नेम होता है, बहुत सारी स्पीशी का ग्रुप नेम होता है, जो बहुत सारे जीन क्या करती हैं, आपस में शेयर करती हैं, या बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल जो उनके करैक्टर होते हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं. जबकि ये जो दूसरा वर्ड होता है नेम का, या दूसरा जो पार्ट होता है जिसको हम स्पेसिफिक नेम कहते हैं, ये मखसूस होता है, ये उसी जानदार का अपना नाम होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, इन दो पार्ट्स की मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से वजाहत करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी. जैसा कि देखो, हम कहते हैं बॉय, तो बॉय ग्रुप नेम है. दुनिया में जितने भी बॉय हैं सबको ये नाम दिया जा सकता है, ये एक ग्रुप है. इस ख़ास एज के मेल का एक ग्रुप है जिसको हम बॉय कह सकते हैं. लेकिन जब हम कॉल करते हैं, जैसा कि हम बोलते हैं असलम, तो असलम क्या है, ये इस किसी एक बॉय का मखसूस नाम है. तो इसी तरह जो जेनरिक नेम होता है, जो जीनस नेम होता है, ये बहुत सारी एक जैसी स्पीशी, देखो अब बॉय एक ख़ास उम्र के जो मेल होते हैं उनका ग्रुप होता है, तो बिल्कुल इसी तरह जो जेनरिक नेम होता है ये भी एक जैसी स्पीशी का क्या होता है, ग्रुप होता है. मैंने आपको डेफिनेशन में ये चीज़ क्लियर की थी कि जो जीनस होता है, व्हाट इज़ जीनस, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, ए ग्रुप ऑफ
related species, a group of similar species which are morphologically same, जो form, shape, size, color, मतलब morphological feature, बैरूनी खसूसियात की लिहाज से वो एक जैसे होती हैं सारे, लेकिन वो reproduction के लिहाज से क्या हों, मुख्तलिफ हों। तो इसमें भी क्या होता है, नेम का जो पहला लेटर होता है, दो नेम में जो पहला नेम होता है वो जेनरिक होता है और दूसरा क्या होता है, स्पेसिफिक नेम जो होता है वो उस ग्रुप में से उस स्पीशी का अपना मखसूस नाम होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक जीनस है, उसके अंदर हम कहते हैं 10,000 क्या हैं जी, स्पीशीज हैं, समझ आ रही कि नहीं आई। तो अगर हम कहते हैं यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं सिट्रस मेडिका, ठीक है, ये एक साइंटिफिक नेम है माल्टे का, तो हम कहते हैं ये जो मेडिका है ये 10,000 में से इस माल्टे का अपना नाम है। बाकी ये वाला जो है ना, पहला जो वर्ड होता है, पहला जो पार्ट होता है, पहला जो नेम होता है, ये इसका क्या नेम होता है, जेनरिक। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर 9,999 और भी इसी तरह की हैं जो मॉर्फोलॉजिकली एक जैसी हैं, समझ आ रही, लेकिन उनकी रिप्रोडक्शन क्या है, डिफरेंट है, वो तो लीड के लिहाज से एक दूसरे से क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने नोट करनी हैं कि जो आपके पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें हर ऑर्गेनिज्म को दो मखसूस नाम दिए जाते हैं, या हर जानदार का जो नाम होता है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। जो पहला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, जेनरिक नेम, जो कि उसके ग्रुप या फैमिली का क्या होता है, नेम होता है, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, स्पेसिफिक नेम, जो क्या होता है, उस स्पीशी का अपना नाम होता है। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर रिलेटेड टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इस वर्ड के मीनिंग देखे और मीनिंग से ही हमने इसकी क्या निकाली, डेफिनेशन निकाली, और डेफिनेशन को मैंने ठीक है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद हमने जो उसकी हिस्ट्री देखी कि हु प्रपोज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, स्टिल वी यूज, स्टिल इन प्रैक्टिस, यही निज़ाम आज भी क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। ये किसने दिया था, कार्लियस लीनियस ने। द रीज़न बिहाइंड वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ टेक्सानोमी, नाउ यू हैव बिकम फेमिलियर। अब आप इस लफ्ज से वाकफ हो चुके हैं, इसको फादर ऑफ टेक्सानोमी क्यों कहा जाता है। तो एक तो उसने फर्स्ट एवर टाइम, सबसे पहली दफ़ा जानदारों को साइंटिफिकली दो किंगडम में क्लासीफाई किया था, और दूसरा उसने ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देने का एक मेथड डिस्कवर किया था, जिसको हम क्या कहते हैं जी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, या कौन कौन से रूल्स हैं जो के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में साइंटिफिक नाम देने के लिए फॉलो किए जाते हैं। तो नाउ वी विल स्टडी हाउ वी हैव टू गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे कि किसी जानदार को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ज़रिए साइंसी नाम कैसे दिए जाते हैं। तो रूल्स आर प्रिंसिपल्स टू असाइन साइंटिफिक नेम। कैसे, तो पहला जो रूल है जो आपके पास साइंटिफिक नेम जो होते हैं, दे आर ऑलवेज रिटन इन लैटिन। हमेशा कौन सी जबान में लिखे जाते हैं ये साइंटिफिक नेम जो होते हैं, साइंसी जो नाम होते हैं प्लांट्स और एनिमल के, इनको हमेशा किस ज़बान में लिखा जाता है, लातीनी ज़बान में लिखा जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, किसी मौजूदा ज़बान में नहीं लिखे जाते। इसकी वजह क्या है कि अगर मौजूदा ज़बान में लिखे जाते, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि इनको उर्दू में लिखा जाता, ठीक है, पश्तो में लिखा जाता, पंजाबी में लिखा जाता,
या फ्रांसीसी में लिखा जाता, जर्मन में लिखा जाता, इंग्लिश में लिखा जाता, तो फिर दुनिया के लोग क्या करते, एतराज़ करते कि भाई ये तो उनकी ज़बान है, हम क्यों इनको स्टडी करें। तो ये आजकल दुनिया के किसी इलाके में भी लैटिन नहीं बोली जाती। तो ये क्या है, ये एक कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया है इन्होंने कि भाई इनको मौजूदा ज़बान में नहीं लिखना, ताकि लोग एतराज़ ना करें, लोग एतराज़ ना करें। तो हर कोई इसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, क्योंकि लातिनी किसी की मौजूदा ज़बान नहीं है। तो दे आर ऑलवेज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। इसको किस ज़बान में लिखा जाता है जी, लातिनी ज़बान में। और हमें पता है लातिनी आज से 200 से लेकर 300 साल पहले यूरोप के अंदर बोली जाती थी, अब किसी मुल्क की ज़बान नहीं है। जैसा कि देखो, हमारे ज़्यादातर चीज़ें अगर इंग्लिश में हो तो हमारे लोग एतराज़ करते हैं कि हमारी कौमी ज़बान तो उर्दू है, हम इंग्लिश में क्यों पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अगर ये नेम भी अगर किसी मौजूदा ज़बान में होते, फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मन में होते, तो दुनिया जर्मन हमें आती है ना, हम इनको पढ़ते, हम कहते कि ये तो जर्मन के लिए है। इसी तरह अगर ये फ्रेंच में होता तो हम कहते ये फ्रेंच के लिए है। पश्तो में होता तो हम कहते ये तो किसी ख़ास लोगों के लिए है। इट तो लॉजिक क्या है इसके पीछे कि इनको किस में लिखा जाता है, लैटिन में, जो कि पहले ही क्या हो चुकी है, दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है कि चूँकि दो नेम होते हैं, बाइनोमियल में दो नेम होते हैं, तो हमेशा याद रखना द फर्स्ट नेम विच इज़ जेनरिक नेम। पहला नेम जो कि जेनरिक नेम होता है, हमेशा किस से स्टार्ट होता है, ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। पहला जो नेम होगा वो किस से स्टार्ट होगा, बाइनोमियल में दो नामों में से जो पहला नाम होगा वो किस से स्टार्ट होगा, कैपिटल से। अगर आपने कैपिटल से स्टार्ट नहीं किया तो आपका ये साइंटिफिक नेम क्या होगा, गलत तसव्वुर किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक नाम लिखता हूँ आपके पास है जी, केनेस, ये जीनस नेम है। इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं केनेस, तो क्या होगा, ये गलत होगा। इसका पहला सी जो होगा ये क्या होगा, कैपिटल होगा। तो जीनस या जेनरिक नेम जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट नेम जो होता है, वो हमेशा किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से। फिर उसके बाद है, इसी के साथ ये लिखते हैं जो सेकंड नेम होगा, सेकंड नेम को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक नेम, जो कि स्पीशी का नेम होता है, वो कैसे स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं फिलेस लीव। तो पहला वर्ड हमने किससे शुरू किया, कैपिटल से, और दूसरा किससे शुरू किया, स्मॉल से। तो जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और दूसरा किससे स्टार्ट होता है जी, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तीसरा जो इसका रूल है वो ये है कि अगर आप क्या कर रहे हो, इफ़ यू कंपोज, अगर आप कंप्यूटर में क्या कर रहे हो, टाइप कर रहे हो या कंपोज कर रहे हो, तो इन साइंटिफिक नेम को, साइंटिफिक जो नेम्स होंगे इनको आप किस में लिखोगे, इटैलिक में, थोड़ा ऐसा टेढ़ा करके लिखोगे। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज है, वहाँ पे जाके आपने क्या सिलेक्ट करनी है, इटैलिक। इफ़ यू आर कंपोजिंग द साइंटिफिक नेम इन कंप्यूटर, इन मोबाइल, इन एनी टाइप रिकॉर्डर, तो देन यू हैव टू राइट दीज नेम्स इन इटैलिक। समझ आ रही है, टेढ़ा करके इटैलिक में लिखोगे। अगर आप हाथ से लिख रहे हो, अगर हैंड राइटिंग में लिख रहे हो तो लिखने के बाद आपने क्या करना है, बोथ नेम्स आर
अंडरलाइंड। दोनों नाम को आप क्या करोगे जी, अंडरलाइन करोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिट्रस मेडिका, तो मैंने जेनरिक नेम किस से स्टार्ट किया, कैपिटल लेटर से। स्पेसिफिक नेम किस से स्टार्ट किया, स्मॉल लेटर से। लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन। तो ये ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे बोर्ड के पेपर में या कहीं भी मुझसे ये पूछा गया था, मैंने बिल्कुल ठीक लिखा लेकिन अंडरलाइन नहीं किया, तो इसको क्या तसव्वुर किया जाएगा, ये रॉन्ग होगा, ये फॉल्स होगा। समझ आ रही कि नहीं आई? तो इफ़ यू राइट बाय योर हैंड, तो आफ्टर राइटिंग द साइंटिफिक नेम, आफ्टर राइटिंग बोथ द जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम, आपने इसको क्या करना है जी, बोथ नेम्स आर अंडरलाइन। अगर आप टाइप कर रहे हो तो वहाँ पे ऑप्शन होता है, आपने इसको किस में लिखना होगा, इटैलिक्स में लिखना होगा। किस में लिखना होगा, इटैलिक्स में लिखना होगा। तो दीज आर द रूल्स। पहली क्या है कि साइंटिफिक नेम हमेशा किस में लिखे जाते हैं, लैटिन में लिखे जाते हैं। दूसरा है कि जो जेनरिक नेम होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जो स्मॉल जो स्पेसिफिक नेम होगा, जो स्पीशी का नेम होगा, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद तीसरा जो रूल है कि अगर आप कंपोज कर रहे हो या टाइप कर रहे हो, समझ आ रही कि नहीं आई, तो आपने इसको इटैलिक्स में लिखना है। अगर आप खुद हाथ से लिख रहे हो तो लिखने के बाद आपने इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो दीज आर द रूल्स विच आर केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग द साइंटिफिक नेम। तो ये वो रूल्स हैं, वो कवानीन हैं जिनको साइंटिफिक नाम लिखने के दौरान जहन में रखना ज़रूरी है, वरना आपके साइंटिफिक नेम जो हैं वो क्या होंगे, गलत होंगे। अक्सर जो होता है, आप साइंटिफिक नेम बिल्कुल ठीक लिखते हो लेकिन उनमें से कोई एक रूल भी फॉलो नहीं करते, तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इन रूल्स को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। बाज़ दफ़ा जो नाम लिखे जाते हैं वो किसी ख़ास प्लेस की वजह से नाम रख दिए जाते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा किसी साइंटिस्ट के नाम से भी इनको महसूस कर दिया जाता है, कोई ख़ास साइंटिस्ट हो जो किसी स्पीशी को डिस्कवर करे, जैसा कि आपके पास जो है लिवरवर्ट जो है एक स्पीशी है, इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट था सीवर्ड, तो उसके नाम से इसको सीवर्डिला भी कहते हैं। इसी तरह ये लाइकन जो है इसको डॉक्टर चौधरी जो है उसने स्टडी किया था, तो उसके नाम से इसको लाइकन चौधरी भी कहते हैं। तो इसी तरह, ठीक है, बाज़ जो स्पीशीज़ होती हैं उनके जो नाम होते हैं वो किसी लोकल मतलब जगह के नाम से उसको महसूस कर दिया जाता है, या फिर क्या किया जाता है उस साइंटिस्ट से इसको, ठीक है, महसूस कर दिया जाता है जो क्या करते हैं जी, इनको स्टडी करते हैं या उसको क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। उसके बाद जी हम दो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ताकि बल्कि तीन एग्ज़ाम्पल हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। पहली जो हमारे पास है वो है पीपल ट्री है, उसके बाद कौन सा ट्री है जी, बनियान ट्री है, और तीसरा आपके पास क्या है जी, रबर ट्री है। ये तीन दरख्त हैं जिनकी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर एक जैसे हैं। इनकी हाइट देखो, इनके अगर आप लीव्स देखो, स्टेम देखो, इनके आप फ्लावर देखो, तो ये हर लिहाज से एक जैसे हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली ये एक जैसे होते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली ये क्या होते हैं जी, एक जैसे होते हैं। ये बहुत सारे जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिवली ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इन चूँकि ये सारे के सारे एक ही जेनरा से तलक करते हैं, तो इनका जीनस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जीनस सेम होने का क्या मतलब है, इनका जेनरिक नेम भी क्या होगा, सेम होगा। तो दे हैव सेम जीनस, जीनस इनका क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इनकी जो स्पीशीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से क्या होती हैं जी, जुदा होती हैं। इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, लिहाजा ये एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो
आपने जीनस नेम सबका एक जैसा होता है, सेम होता है, लेकिन स्पीशी जो होती है या जो स्पेसिफिक नेम होता है, नेम का जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इनका जो जीनस है या जो जेनरिक नेम है वो क्या है जी, फाइकस है। क्या है? फाइकस है। तो इसका भी फाइकस है, इसका भी क्या होगा, फाइकस होगा, इसका भी क्या होगा, फाइकस होगा। आगे दूसरा देखो, द फर्स्ट पार्ट नेम का जो पहला पार्ट है या जो पहला नेम है वो जेनरिक नेम होता है, और जेनरिक नेम ठीक है तमाम की तमाम एक जीनस रखने वाली स्पीशी का एक जैसा होता है, ठीक है। अब फाइकस जो पीपल है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसको कहते हैं जी फाइकस रेलिजिओसा, फाइकस रेलिजिओसा। जो आपके पास बनियान ट्री है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसको कहते हैं जी फाइकस बेंगालेंसिस, इसको क्या कहते हैं, फाइकस बेंगालेंसिस कहते हैं। और आपके पास जो रबर ट्री है इसको कहते हैं फाइकस एलास्टिका, एलास्टिका। तो दीज आर, अब आपको यहाँ से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन आपको यहाँ से भी मिल रही है कि देखो ईच ऑर्गेनिज्म, हर एक जानदार चाहे वो प्लांट्स है या एनिमल है, उसके नेम के कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। एक और चीज़ भी आपको मिल रही है कि जेनरिक नेम जो होता है वो सब का क्या होता है, एक जैसी स्पीशी का क्या होता है, सेम होता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नेम हैं, इनसे आपको बहुत सारी मालूमात मिल रही हैं, और ये प्रिसाइज हैं, ये दुरुस्त भी होते हैं, गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया के लिए यूनिफॉर्म होते हैं, सारी दुनिया के लिए एक जैसे होते हैं। अब अगर देखो फाइकस का वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच हैव ए लॉट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़। ये पौधों का एक ग्रुप है जिसकी बहुत बड़ी मकदार में जो मॉर्फोलॉजिकल जो बैरूनी खसूसियात होती हैं वो क्या होती हैं, मुश्तरक होती हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दीज स्पीशीज आर इंक्लूडेड इन द सेम जीनस। आपने पढ़ा है ना कि सारी मतलब जो स्पीशी एक जीनस की होती हैं उनकी बहुत सारी जो खसूसियात होती हैं वो क्या होती हैं, यकसां होती हैं। आगे ये जो लफ्ज़ है ये इनको डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि भाई ये जो रिलीजियोसा है ये रिप्रोडक्टिवली क्या है, आइसोलेटेड है या डिफरेंट है, ये दूसरी स्पीशीज़ के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक ठीक है तीन मुख्तलिफ एनिमल्स हैं, एक आपके पास क्या है कैट है, एक आपके पास क्या है जी लाइन है, शेर है, और एक आपके पास क्या है जी टाइगर है। समझ आ रही कि नहीं आई? अब इनके भी जीनस एक हैं या इनका ख़ानदान या इनका जो एक मतलब ग्रुप है, ग्रुप नेम है, जिस तरह बॉय है वो एक जैसा है। क्यों? क्योंकि इनके भी बहुत सारे करैक्टर आपस में मिलते जुलते हैं। ये कार्निवोर हैं, इनके कैनाइन टीथ बड़े होते हैं, ठीक है, इनकी जो फर होती है, ठीक है, स्किन का जो रंग होता है तकरीबन वो भी आपस में, इनके ईयर, इनका माउथ, इनका हेड, इनके वो जो क्लॉज होते हैं, ये बहुत सारे करैक्टर आपस में मिलते जुलते हैं। तो अब इनका जो जीनस है, जो जेनरिक नेम है, पहला नेम क्या होगा, जेनरिक नेम होगा, दूसरा कौन सा होगा, स्पेसिफिक नेम, स्पीशी का नेम होगा। तो इन सब का जीनस क्या है, कैनस है। क्या है? कैनस है। इसका भी क्या है, कैनस है। इसका भी क्या है जी, कैनस है, ठीक है। अब इसका नेम क्या होगा, कैनस कैटस, सॉरी फिलस है, डीम इनका कैनस नहीं है। क्या है जीनस इनका, क्या है, फेलस। क्या है, फेलस। इसका भी फेलस। इसका भी क्या है जी, फेलस। अब कैट का जो स्पीशी है स्पेसिफिक नेम है वो क्या है, कैटस। कैटस भी कहते हैं इसको, डोमेस्टिकस भी कहते हैं, ठीक है। फिलस डोमेस्टिकस भी कहते हैं, इसको कैटस भी कहते हैं। अच्छा, ये जो लाइन है इसका साइंटिफिक नेम है
फिलेस ल्यू, इसका साइंटिफिक नेम है फिलेस टाइग्रस। टाइग्रस समझ आ रही कि नहीं आई? तो ये आपके पास क्या है जी, जीनस जेनरिक नेम सब का एक है लेकिन स्पेसिफिक नेम क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। तो जेनरिक नेम एक ग्रुप की जितनी भी स्पीशीज होती हैं उनका सेम होता है लेकिन स्पेसिफिक नेम जो होता है वो क्या होता है, उनका मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक और जीनस जो हमने मैंने आपको मिसाल दी थी जीनस के दौरान वो क्या था, एक्वस था। क्या था? एक्वस, एक्वस, एक्वस। ये जो है ये इसके अंदर भी तीन स्पीशीज हैं, एक हम कहते हैं एक्वस कैबलिस, एक्वस कैबलिस, एक को कहते हैं एक्वस एसिनस, सॉरी कैपिटल हो गया, एसिनस, और एक हम कहते हैं एक्वस ह्यूमिनस खर। ये जो है आपके पास ये घोड़ा हो गया, ये क्या हो गया ज़ेब्रा, और ये क्या हो गया गधा। तो देखो तीनों का जो जीनस है वो क्या है, सेम है लेकिन उसकी जो स्पेसिफिक नेम है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट जो नेम होता है जेनरिक नेम वो पूरे ग्रुप के लिए सेम होता है, स्पेसिफिक नेम क्या करता है उस स्पीशी को उस ग्रुप में से क्या करता है, जुदा करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, उसको मखसूस करता है, उसको अलग करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कैबलिस इसको सेपरेट कर रहा है इस पूरे ग्रुप से, एसिनस इसको सेपरेट कर रहा है इस पूरे ग्रुप से, इसी तरह ह्यूमिनस खर जो है ये डंकी को इस एक्वस ग्रुप से क्या करता है, सेपरेट करता है कि ये एक अलग स्पीशी है। तो ये आपके पास क्या है, इसके चंद एक एग्जांपल हैं बाइनोमियल नोमिन क्लेचर की। आपकी बुक के अंदर दो टेबल बने हुए हैं, वो आपने लिखने भी हैं, याद भी करने हैं, एक टेबल प्लांट्स का है और एक टेबल एनिमल्स का है। अब हम इम्पॉर्टेंस देखते हैं इसकी, इम्पॉर्टेंस ऑफ बाई नोमियल नोमिन क्लेचर। तो पहली बात ये है कि साइंटिफिक जो नेम्स होते हैं, साइंटिफिक जो नेम्स होते हैं ये पहली बात जो है ये प्रिसाइज होते हैं, दुरुस्त होते हैं, दुरुस्त होते हैं, इनमें गलती के चांसेस नहीं होते, इनको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अंदाज से दिया जाता है, एक पुरमनज़म तरीके से हर जानदार को स्टडी करके उसको क्लासिफाई करके उसको आइडेंटिफाई करके उसको नाम दिया जाता है। तो ये नाम कभी भी गलत नहीं हो सकते, ये हमेशा दुरुस्त होते हैं। ठीक है, दूसरा ये क्या होते हैं जी, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है, ये जानदार के बारे में अच्छी खासी तफसील देते हैं, अच्छी खासी तफसील देते हैं, क्योंकि उसकी जीनस के बारे में जो